हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी आलू और कटहल की सब्ज़ी। तो इसके लिए आलू और कटहल को पीसेस करके कट कर ली हूँ। कढ़ाई में डाली हूँ तेल, उसमें डाली हूँ हरी मिर्च, जीरा, प्याज, लहसुन, इन सब को लाल करके। और फिर इसका मैं मतलब अलग से पेस्ट बना के रखी थी। लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर का पेस्ट वो डाल देती हूँ। बेसिक हमारे पास जो मसाले रहते हैं, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला और सब्जी मसाला, इन सब को डाल के अच्छे से भून लेना है। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मैं पहले भून ली थी इनको अच्छे से। जब मसाले भून गए थे तो फिर इसमें मैं आलू और कटहल को मिक्स कर दी हूँ। इन्हें भी 4 से 5 मिनट के लिए भून ली थी। जब अच्छे से ये भून गए थे तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। और पानी आप अपने क्वांटिटी के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको पतला रखना हो, गाढ़ा रखना हो, जैसा भी रखना हो, तो आप अपने अनुसार इसमें डाल देते हैं सकते हैं पानी। तो फिर पानी डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो ये कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल ईजी सिंपल तरीके से मैं बनाई हूँ, ताकि ये खाने में स्वादिष्ट लगे और हेल्दी भी हो कम।